हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, वीडियो के टाइटल्स एंड थंबनेल से तो आपको समझ में आ गया कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो यस, विंटर स्टार्ट हो चुकी है और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे अच्छी वाली कोल्ड हो रहा है। सो काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ, आई थिंक 15 से 20 डेज हो गए। बहुत ज़्यादा कोल्ड था, कफ भी बहुत ज़्यादा था, तो शूटिंग करना हुआ नहीं। बट अभी ये तो चलता रहेगा विंटर्स में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या करती हूँ, क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं और विंटर्स में चाहे आपकी ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल स्किन हो, मतलब हर एक स्किन का टाइप ना थोड़ा सा ड्राई पैची हो जाता है। सो आपको अपना स्किन केयर जो भी आप समर्स में कर रहे थे, रेनी सीजन में कर रहे थे, वो चेंज करना ही पड़ता है। सो ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो आप सारे प्रोडक्ट्स विंटर्स में भी वो ही यूज करो जो आप समर्स में कर रहे थे। नहीं, आपकी स्किन का पीएच लेवल, आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है, जो भी आपकी स्किन की नीड्स होती है ना, वो भी सीजन के साथ में चेंज होती है। सो यस, अभी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन 5 से 7 दिन पहले चेंज कर लिया है, एज आई एम लिविंग इन पुणे। सो पुणे में थोड़ा सा वेदर ठंडा हो गया है, सो सारे प्रोडक्ट्स मुझे चेंज करने पड़े क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो गई है वेदर में और स्किन भी बहुत ड्राई रहने लगी है। सो चलिए फटाफट से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सो यस, यू कैन सी अभी जस्ट नहा के आई हूँ मैं। आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया, बट बेसिकली अभी जस्ट नहा के आई हूँ एंड सनलाइट में मैं शूट कर रही हूँ। दिस इज माई बेयर स्किन, मैंने कोई भी मेकअप वेकअप नहीं लगाया है। आप देख सकते हो पीछे ही सनलाइट भी आ रही है। सो यस, बहुत नेचुरल लाइट में हम शूट कर रहे हैं और आप यू कैन सी मतलब एक्ने भी है, एक्ने स्कार्स भी है यहाँ पे और काफी ज्यादा ड्राई ड्राई लग रही है स्किन। सो यस, पहले मैं आपको बता देती हूँ फेस वॉश मैंने कौन सा यूज़ किया। सो बेसिकली बाथरूम में ही मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था जब मैं नहाने गई थी। सो बेसिकली आज मैंने यूज़ किया है कोसारेक्स का ये लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर। सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। बेसिकली मॉर्निंग में आपको हमेशा लाइट वेटेड वाले जो मॉइस्चराइजर होते हैं ना, उनका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा लाइट हो, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप नाइट टाइम में स्किन केयर कर रहे हो तो मॉर्निंग में आपको नीड नहीं होती है इतना ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर लगाने की जो आपके स्वेट को या आपकी डर्ट को, मेकअप को रिमूव करे। सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लेंजर है जो कि बेसिकली आपका जो रात का स्किन केयर रूटीन था उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा। सो मॉर्निंग में मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर ये नहीं होता है बाथरूम में, अगर दूसरे बाथरूम में रखा हो, तो उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का सूदिंग माइसेलर क्लेंजिंग फोमिंग जेल। सो बेसिकली इसका जो ग्रीन वाला वेरियंट है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ समर्स में, बट ये जो पिंक वाला है ये बेसिकली विंटर्स के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं बनाता है और काफ़ी अच्छे से एक सटल तरीके से आपके फेस को क्लीन करता है। ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छे है मॉर्निंग में अगर आपको अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश मेरा हो चुका है, अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो कि है टोनर। सो टोनर इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अगर आपके ओपन पोर्स है। एंड बेसिकली टोनर क्या करता है, आपकी स्किन के जो भी आपने फेस वॉश यूज किया है उससे जो आपका पीएच लेवल लॉस हुआ है उसको लेके आता है आपकी स्किन पे फिर से। जो आपके पोर्स है उनको भी क्लियर करता है, उनको श्रिंकिंग करने में काम आता है। सो बेसिकली काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ओपन पोर्स के लिए क्या करें, आप प्लीज अपने स्किन केयर रूटीन में टोनर यूज करना स्टार्ट करो। आपको खुद को फील होगा 3 से 4 महीने में कि आपकी स्किन का टेक्सचर, आपके जो पोर्स है वो फिल इन हुए हैं। मॉर्निंग में मैं यूज करती हूँ द नेचुरल वॉश का रोज वाटर। सो बेसिकली कोई भी रोज वाटर आप यूज कर सकते हो, डाबर का भी अच्छा है, कामा आयुर्वेदा का भी अच्छा है। कामा आयुर्वेदा का मैं पहले यूज करती थी बट अभी वो खत्म हो गया, सो मैंने अभी ये वाला बाय किया है। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। बेसिकली वीडियो किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स जो मैं लिटरली यूज करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आपको नॉर्मली फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे टोनर लगाना है अच्छे से, और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। सो टोनर जब तक आपकी स्किन के अंदर तक नहीं जाता है आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं करना है। बेसिकली अगर आप कोई भी एसेंस वगैरह लगा रहे हो तो आप अपने जो डैम स्किन है उसमें लगा सकते हो, बट टोनर को आपको अपनी स्किन के अंदर तक लेके जाना है पहले। सो यस, सो टोनर लगाने के बाद बेसिकली मैं लगाती हूँ विटामिन सी सीरम, क्योंकि आप देख सकते हो एक्ने के मार्क्स भी है यहाँ पे। और विटामिन सी बेसिकली मॉर्निंग में ही आपको लगाना चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और मॉर्निंग में जो एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को हील करने में काम आता है वो नाइट टाइम में नहीं आता है। सो अगर आप नियासिनमाइड, अल्फा आर्बिटिन वगैरह यूज कर रहे हो तो वो आप नाइट टाइम में कर सकते हो, बट विटामिन सी को हमेशा आप मॉर्निंग में ही यूज करो। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट विटामिन सी सीरम। आई डोंट नो कि मैंने इसकी कितनी बॉटल फिनिश कर दी है। दिस इज डर्माको 20% विटामिन सी फेस सीरम। बहुत अच्छा फॉर्मूला इसका और लिटरली ये वर्क करता है। मतलब बेसिकली मैं डेली विटामिन सी नहीं लगाती हूँ, मैं जनरली ऐसे करती हूँ 3 दिन मैंने विटामिन सी लगा लिया, 1 दिन मैं नियासिनमाइड लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद 3 दिन विटामिन सी लगा लिया नियासिनमाइड, क्योंकि एक एक्टिव की आपकी स्किन को आदत नहीं होनी चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। सो 3 दिन मैं लगाती हूँ, फिर 1 दिन चाहूँ तो मैं ब्रेक भी कर लेती हूँ, कभी मैं नियासिनमाइड लगा लेती हूँ। बट बेसिकली अगर वीक में 7 डेज है तो 5 डेज तो विटामिन सी रहता ही है, 2 दिन फिर बीच में चेंज हो जाता है।
सो यस, आज मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी सीरम, ये वाला जनरली आपको लेना है हाथ पे एंड उसके बाद अच्छे से आपको अपनी स्किन पे स्प्रेड कर देना है। सीरम को आपको बहुत ज़्यादा मालिश वालिश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉर्मल आपको ऐसे स्प्रेड करना है और टैप करना है, वो आपकी स्किन के अंदर खुद से पेनिट्रेट हो जाएगा एंड उसके बाद आप अपने नेक एरिया को भी इस तरह से कवर कर सकते हो। सो यू कैन सी, मतलब बहुत जल्दी से स्किन के अंदर जाता है और बिल्कुल भी ऐसा ना चिपचिपापन या वैसा फील नहीं होता है। यस, विटामिन सी है तो हल्का सा लगेगा आपको कुछ मिनट्स के लिए, एक दो मिनट्स के लिए, उसके बाद वो आपकी स्किन पे अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। लुक एट दिस। सो यस, विटामिन सी यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ एक मॉइस्चराइज़र। सो हमेशा सीरम के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही है और अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का ये मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि विंटर्स आ चुकी है, थोड़ी सी स्किन को हाइड्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि मतलब कैकी ना हो या ड्राइनेस ना लगे, पैचेस ना आए स्किन पे। ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम है, दिस इज़ फॉर ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन। सो विंटर्स में अगर आपकी ऑयली भी स्किन है तो वो नॉर्मल हो जाती है, बट मैं इसकी क्वांटिटी बहुत कम लेती हूँ। लुक एट दिस, मतलब बहुत भर भर के आपको नहीं लेना, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी। इतनी भी बहुत सफिशियंट होती है, ये भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से स्प्रेड होके मॉइस्चराइज कर देती है स्किन को। यस, मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही है चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो। वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टॉप 5 मॉइस्चराइजर इन विंटर्स फॉर ऑयली स्किन वाला वीडियो आएगा, सो वो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा रहेगा तो फिर आप दूसरे वाले मॉइस्चराइजर भी ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ऐसे परफेक्ट लगता है क्योंकि स्किन पे ना इतनी हाइड्रेशन मिलनी चाहिए। ये अभी आपको लग रही है बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली, बट ये कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएगा फेस पे। सो यस, दिस इज़ माय करंट फेवरेट मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद लास्ट स्टेप होता है एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज़ करना, क्योंकि हमने यूज़ किया है विटामिन सी। अगर आप कोई भी एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो, विटामिन सी, नियासिनेमाइड, सैलिसिलिक एसिड, कुछ भी आप यूज़ करो, जब तक आप अपनी स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन नहीं यूज़ करोगे तब तक उसका कोई भी फ़ायदा नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं विंटर्स में सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है, नहीं, विंटर्स में भी सन की रेज उतनी ही आपकी स्किन को डैमेज करती है, बट फ़र्क ये होता है कि समर्स में धूप में जाना हमें पसंद नहीं होता और विंटर्स में हम धूप में जाके खुद से बैठते हैं तो हमें लगता है क्यों डैमेज करेगी वो, नहीं, सन की रेज उतनी ही हार्मफुल रहती है। सनस्क्रीन बेसिकली मेरा एक फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है, बट आज मैं यूज़ कर रही हूँ डामाको का ये 1% हाइलोनरिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ड्यूई फिनिश लुक में आता है। वैसे मैं मुझे डॉक्टर शेड का सनस्क्रीन भी काफ़ी अच्छा लगता है, एक्वालॉजिका का भी काफ़ी अच्छा है, दोनों मेरे पास पड़े हैं, बट जैसे जो हाथ में आया वो लगा लेती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन बेसिकली स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बस मेक श्योर कि उसका फॉर्मूला जो हो ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, और ये जो सनस्क्रीन है ये काफ़ी अच्छा है विंटर्स के लिए, ऑयली स्किन के लिए। सो यस, अच्छे से आपको स्प्रेड करना है एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद को एक दो महीने बाद आपकी स्किन के टेक्सचर में फ़र्क दिखेगा। लुक एट माई स्किन, अब लग रही है ना थोड़ा सा स्किन को अच्छा सा फूड मिला है। एंड यस, लास्ट स्टेप इज लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना। काफ़ी ड्राई ड्राई लग रहे थे मुझे थ्रू आउट वीडियो, बट लास्ट में मैं लगाती हूँ। और ये है शुगर की लिप बाम, जो कि काफ़ी प्यारा सा एक टिंट है और बहुत अच्छे से नरिश करती है लिप्स को। लुक एट माई लिप्स। सो यस, दैट्स इट गाइज, ये था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर ऑयली, एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन। अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट्स आपको बाय करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और वैसे अभी बहुत सारे वीडियोस विंटर से रिलेटेड आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।